वो देख वो देख वो देख वो देख। हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का नाम लगाकर विदेशों से पैसा क्यों लिया गया? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है पूरी तरह से, चाहे इलेक्ट्रोल बॉन्ड हो, चाहे पीएम केयर्स फंड हो, चाहे वो कोरोना हो। बात तो सही है पीएम केयर्स फंड हो, चाहे वो कोरोना हो, और चाहे वो नोटबंदी हो। कंट्रोल कंट्रोल फंड हो, चाहे वो कोरोना हो, और चाहे वो नोट। Here I come. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों, गोदी मीडिया के पत्रकार आए दिन कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया पर ट्रोल होते रहते हैं। गोदी पत्रकार प्रधानमंत्री मोदी की चाटुकारिता करने से पीछे नहीं हटते। वे उछल उछल कर पीएम मोदी की चाटुकारिता करते रहते हैं, और जब कोई पीएम मोदी की पोल खोलता है तो सभी गोदी पत्रकारों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। दरअसल दोस्तों, चैनल आज तक पर लाइव डिबेट हो रही थी, जिसमें गौरव भाटिया, आलोक शर्मा और अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकार मौजूद थे। वहीं इसी डिबेट के दौरान प्रवक्ता आलोक शर्मा ने अंजना ओम कश्यप से प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े घोटालों को लेकर कुछ तीखे सवाल पूछे, तो अंजना ओम कश्यप की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वहीं दोस्तों, इस वीडियो में गौर करें तो गोदी पत्रकार अंजना ओम कश्यप इशारों में अपने स्टाफ को कुछ संकेत दे रही थी। शायद वे इशारों में आलोक शर्मा की आवाज को बंद करवाना चाहती थी। वहीं अब पत्रकार अंजना ओम कश्यप की ऐसी हरकतों को देख कुछ सोशल मीडिया यूजर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। पत्रकार निगर परवीन ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला पकड़ा गया तो पापा की परिया सदमे में है। देखिए पीएम केयर फंड का नाम आने पर कैसे कैसे इशारे करने लगी एंकराइन। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट भगत राम ने इस वीडियो पर लिखा, क्या आप बता सकते हैं कि इस वीडियो में 17वें सेकंड में पहले भौं चलाकर और फिर गर्दन पर उंगली चलाकर अंजना ओम कश्यप जी किस बात का इशारा कर रही हैं? कांग्रेस कार्यकर्ता नितिन अग्रवाल ने इस वीडियो पर लिखा, इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम सुनकर अंजना ओम कश्यप इतनी परेशान हो गई कि लाइव शो में आवाज कम करने का इशारा करने लग गई। संदीप चौधरी कमेंट्री अकाउंट ने लिखा, आका की नाकामी सुनी नहीं जा रही तो क्या माइक बंद करने का इशारा कर रही हैं अंजना? फिलहाल अंजना ओम कश्यप की ऐसी पत्रकारिता पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें, और ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।